अस्सलाम वालेकुम, सबाज वेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह शकरपारे या मीठी खजूरों को एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है और साथ ही ये बहुत ही क्रिस्पी यानी कुरकुरी है। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। बनाना बहुत सिंपल है, बस अब हम इसे बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने 2 कप मैदा लेना है। आपने 2 कप मैदा लेना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पिघला हुआ घी। बेहतर होगा कि आप डालडा लें, पिघला हुआ अगर डालडा लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। उसमें आप ऐड कीजिए 1 कप से थोड़ी कम सूजी, यानी 1/4 कप हम इसमें सूजी ऐड करेंगे, और बारीक वाली सूजी ऐड कीजिए और इसे अपने हाथों से अच्छी तरह से मसल लीजिए। आप इसे जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, यानी सूखे में ही हमें इसे इतना ज़्यादा मिक्स करना है कि यानी लास्ट में या आखिर में मुट्ठी में आना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर हमने 3 बेकरी के बिस्किट लिए और 1 और दूध लिया है, और साथ ही हमने इसमें शक्कर ली है। शक्कर हमने 1 कप के आसपास ली है। अब दूध को गर्म कीजिए, ठीक है। हमने यहाँ पर 1 कप दूध लिया, उसे गर्म किया, उसमें हमने ये शक्कर ऐड कर दी। शक्कर हमने 1 कप के आसपास ली है। 1 कप शक्कर ऐड कीजिए और इसे आप दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। दूध और फिर हम इसमें डालेंगे ये 3 बिस्किट्स। यहाँ मैं बेकरी के जो बिस्किट्स आते हैं 3 से 4 बिस्किट ऐड कर रही हूँ। आप बिस्किट ऐड कीजिए और इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। यानी जब बिस्किट पिघल जाएंगे, पिघलने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, ठीक है। हमने इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेना है और ठंडा करके हम इस मिक्सचर को ये मैदे और रवे वाले मिक्सचर में डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे, ठीक है। हमने इसे अच्छी तरह से गूंद लेना है। बेकरी के जो बिस्किट्स होते हैं उसकी वजह से इसमें टेक्सचर भी बहुत अच्छा आएगा और फिर टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब देखिए, इस सारा मिक्सचर को आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कीजिए, बनाए गए दूध वाले मिक्सचर को इसमें ऐड कीजिए और फिर आप इसे अच्छी तरह से गूंद लीजिए। ये बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से हम इसे गूंद लेंगे, ठीक है। तो हमने इसे अच्छी तरह से गूंद कर एक साइड में रख लेना है। देखिए, इसे आप गूंद लीजिए। गूंदने के बाद अगर आपको लगता है कि ये आटा नरम है तो आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड करना है, क्योंकि हमें इसका जो आटा है वो सख्त होना लगेगा, ठीक है। बेलिए इस तरह से हमने इसे बेलना है और बेल कर दोनों साइड से हम इसे बेल लेंगे। देखिए, सख्त होने की वजह से ये थोड़ा सा फटता है, तो हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से कूट लेंगे। एक बेलन लीजिए या फिर हमाम दस्ते का मूसल लीजिए और इसे आप कूट लीजिए। इस तरह से हमने कूट कर फोल्ड पे फोल्ड मारते जाना है। एक साइड एक तरफ से इस तरह से कूटा, फिर उसके बाद उसे फोल्ड कर लिया, फिर से हम इसे फोल्ड करेंगे, फिर इसे कूटेंगे, फोल्ड करेंगे, कूटेंगे, इस तरह से। तो होगा क्या, ये जो आटा है वो बहुत अच्छा बन जाएगा और इसके जो शक्करपारे हैं या खजूरें हैं बहुत ही क्रिस्पी और खुशखुशी बनेंगे। तो देखिए, हम फिर से इसे अब गोल बेल लेंगे। जो भी शेप में आप बेल सकते हैं बेलिए। देखिए, पहले के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कम फट रहा है। अब आप इसे इसकी एक हल्की सी मोटी यानी एक 1/2 इंच की रोटी बेल लें। अगर आप इसके और ज़्यादा थिक बनाना चाहते हैं, यानी और ज़्यादा मोटे अगर शक्करपारे बनाना चाहते हैं या मोटी खजूरें बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। इसकी थोड़ी और ज़्यादा मोटी रोटी बेल लें, ठीक है। मैंने 1/2 इंच की रोटी बेली है। उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। जो भी शेप में आप इसे कट करना चाहें कट कर लें, ठीक है। आप इसे बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं किसी जार में, यानी एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर करके रख लें। बहुत दिनों तक रहते हैं, यानी 1 महीने तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं और लगते भी बहुत ही मज़ेदार हैं। और हाँ, आप अगर चाहें तो इसमें मैदे के बजाय गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मैदा नहीं खाना चाहते तो गेहूं का आटा भी बेहतर रहेगा। अब देखिए, हमने इसे कट कर लिया और कट करने के बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। हाँ, फ्राई करते वक्त आप ध्यान रखें कि तेल गरम कीजिए और गरम करने के बाद गैस के फ्लेम को बिल्कुल धीमा कीजिए और धीमा करके फिर आप इसमें डालिए और इसके बाद इसे आप आराम से तलिए। यानी मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करके निकालेंगे, क्योंकि मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने की वजह से ही ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप हाई फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से पक जाएंगे या
जल जाएंगे। तो बेहतर होगा कि आप इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें और मीडियम फ्लेम पर फ्राई करके आप इसे निकाल लें। देखिए कितना परफेक्टली फ्राई हुए हैं, देखा आपने, बिल्कुल कलर भी बहुत ही परफेक्ट आया है और बहुत ही परफेक्ट फ्राई हुए हैं। अब हम इसे निकालेंगे और फिर अब दूसरी बैच हम तल लेंगे। तो देखिए हम इसे तल रहे हैं। इसमें हम जो बेकरी के बिस्किट डालते हैं ना, तो उससे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा खुशखुशे होंगे और इसमें एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा। बिल्कुल आपको ये जो है आपके जो शक्करपारे हैं या खजूर हैं बिल्कुल डिफरेंट लगेंगी, जो दूसरे लोग बनाते हैं उससे बिल्कुल आपकी ये शक्करपारे बिल्कुल डिफरेंट लगेंगे। तो देखिए कितने खुशखुशे हुए, ये अभी गर्म है, ठंडे होने के बाद और ज़्यादा खुशखुशे लगते हैं। ये बहुत ही शानदार से ये शक्करपारे या खजूरें बनकर तैयार हुई हैं। आप इन्हें बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं और तारीफ़ें पाएं। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ़ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।